जड़े मंत्री जे कि दुर्नीति मामलें तर संप्रति पश्चिमबंग गिरफ है परवर्ती समय जिते स्वास्थ्यगत दिग नहीं कि चिकित्सापी कथा आसला भुवनेश्वर एम्स को अणगला से परिस्थिति बिगड़गला परिस्थिति एभली रूप नेला जे कौटिना कौटि ए प्रसंग आहरी जटिल होगा आम कौ पार्थ चाटर्जी विषय जी कि टीएमसी रो जने दक्ष नेता हिसाब रे निजी को प्रतिष्ठित करिसेंती किंतु परवर्ती समय तांको नारे उठितिबा केलेंकारी तांको नारे उठितिबा दुर्नीति रो छीटा बहुत मात्रा रे तांको भावमूर्ति को मलिन करिछि एवं तार प्रतिफलन भुवनेश्वर रे मध्ये देखिबा को मिलिछि। भुवनेश्वर जेतेबेले से पहुंची छेंती सेठी उपस्थित थैतिबा जनता जो माने कि पश्चिमबंग रु प्राय तो बिलंग करुछंती प्राय पश्चिमबंग बासिंदा रहिछंती से मानकर प्रतिवाद स्वतः प्रवृत्त केही डाकी नांती केही कहि नांती स्वतः प्रवृत्त प्रतिक्रिया सामना को आसिछि। याकु नै आजिरो आलोचना आम रहिबा प्रकृति रे काही एबोली एक स्थिति आसिछि जो जनता नेता को निर्वाचित करथिले सेही जनता आज काही कि एते प्रतिक्रियाशील होउछंती याकु नै आजिरो मुद्दा रे आलोचना रहिबा। ए संपर्क में लगातार भाव विभिन्न दिगक जदि आम तर्जमा करके देखा कौटिना कौटि सब दिगर प्रति इंगित उठू के कथा उठू लोक मान ठकी एक उठूर व्यक्तिगत जीवन को लेकिन ये प्रकार प्रश्न उठू जो हिसाब से तर्जमा करोटिना कौटि साधारण जनता को ठीक रे ग्रहण करी पारु नांती आकु हजम करी पारु नांती जे जहाँ को से माने निर्वाचित करथिले जहाँ को से माने वोट देथिले जहाँ को से माने निजर प्रतिनिधि हिसाब से बाछिथिले सी एभली विश्वासघातकता केमिति करी पारंते ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा को जीवा मो सहित सामाजिक कर्मी लिंकन सुबुद्धि उपस्थित अछंती। लिंकन ए पूरा घटना को जदि देखिबा गोटे कथा प्रतिफलित हेछि जे नेता हुवंतु बा अभिनेता हुवंतु यदि आपण किछि भूल कर्म करुछंती किछि भूल बाटरे जाउछंती तार प्रतिक्रिया साधारण जनतांक पाखरे आसीबो तार जवाब साधारण जनता देबे। आज एम्स बाहर जो चित्र थिला ताही बयान करुछि निश्चित भाव देखो बर्तमान आम जो गोटे कथा को सब बेले गुरुत्व दबा जिते बे गोटे पब्लिक फिगर हो जाऊे साजुचे विभिन्न आस कर राजनीति रे आम लीडरशिप धारा को जिते आगे धरचे तार अर्थ है आम अनेक लोकंर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो कौन सी भी राजनैतिक व्यक्ति केबे भी एटा भाविबाटी भूल जे मो जीवन मोर कहीं से गोटे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव विभिन्न लोकंर हजार हजार लोकंर लक्ष लक्ष लोकंर आशा भरोसा से उपरे थाए तांको उपरे से भरोसा करती जे तांको डेवलपमेंट तांकर भविष्य तांको पिलांको भविष्य से गढ़े एवं समाज रो उत्थान करिवे बोली से माने आशा रखती किंतु ए स्वप्न जेतेबेले ए विश्वास टी भांगे कष्ट हुए जेतेबेले ए विश्वास टी भांगे आ ए विश्वास टी सहजरे लोक आसेनी गोटे दल विशेष व्यक्ति विशेष बहुत गोटे गोटे मूल्यवान वोट दे कि लोक मैंने आग को आनी था निजर कथा एवं व्यक्तित्व को सामने रखी था अनेक लोकों पर उदाहरण साजि था तो निश्चित भाव जिते बड़े से माने लोकों को धोखा दियंती भाई चिटिंग करती जोटा फ्रॉड आकार रे बाहर को आसे परवर्ती समय के सामना को आसे बहुत सहज उपाय रे से माने जो मेडिकल बहाना टी दियंती बहुत सहज रे खसी की मेडिकल रे एडमिट हे जांती एवं परवर्ती समय रे से माने एडा गुटे एक्सक्यूज करंती एकदम ये गुटे संदेह स्वाभाविक भाबे केवल आपन को पाखरे नुए लिंकन समस्त को पाखरे ये गुटे संदेह तयारी होउची प्रकृत में ये दिग्ग टी आम तर्जमा करने सहित शीतल तरंग बेउरिया वरिष्ठ सांबादिक सहित फोन लाइन में उपस्थित अच्छा सहित बेउरिया आपणकर समय घटना उपरे सन्देह होता आपण देखिथे से पर्यंत नेता मानकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक थाए जेपर्यंत कौन प्रकार दुर्नीतिर छिटा लगे जितेबाला पर्यटन कौन प्रकार कार्यानुष्ठान हुए नहीं जितेबाला कार्यानुष्ठान हो जाए संगे संगे देह खराब संगे संगे हस्पिटालाइज संगे संगे उन्नतमान चिकित्सा दरकार ही पड़े प्रकृत में यहाँ वास्तव आधार ना कि गोटे जो कथा लिंकन कौन संदेह कर साधारण लोक संदेह कर गोटे क्लू खोजन गोटे बाट खोजुच्च गोटे बाहाना खोजुच्च खसी जबार बाट बिल्कुल बिल्कुल अपन शिवस पूरा ठीक कथा कहते सब फेक करती इलनेस को फेक करती जो कलकाटार कोर्ट राइटली रिफर करदे भुवनेश्वर
कहीं सेठी जदि होता देखी था सी गोटे कि ना कि कहीं रूलिंग पार्टी बर्तमान हूँ टीएमसी तेणु मंत्री जन गले सब हस्पिटाल गोटे सर्टिफिकेट दे था ट्रिटमेंट होता तेणु गोटे राइट डिसीजन नहीं कलकटा कोर्ट सी भुवनेश्वर पठेले आरु जना पड़ा कि शुणा को मिलूँ डक्टर कहते कि कथा दिस इज अ लेसन फॉर ममता बनर्जी ऑल्सो ममता बनर्जी भी गोटे बड़ लेसन कि भाया लोक टिकट दौरान राइट अंडर हर नोज नाक तले करप्शन इतने बड़ करप्शन हूँ देखिथे टीवी चैनल आम तो सी ना टीवी चैनल मानक देखु पुरा पुरा गदा गदा टंका बाहरला जो हिरोइन सहयोगी तो ममता बनर्जी भी ये गोटे सेटबैक गोटे प्रॉब्लम होता मैंने बहुत पॉपुलर नेता एक्सट्रीमली पॉपुलर नेता सब अच्छा कौन कर टिकट दे दौंट छेड़ी मेढा चिड़ियाखाना जंतु समस्त टिकट दे दौंट और लोक मैंने भी भोट दौंट लेसन फॉर लीडर्स एज वेल एज सिटीजन केवल नेता देखी भोट दियंतु समस्त गोटे बड़ लेसन ही कहुआ प्रकृति आम प्रतिनिधि को आम केमी बाछवा जमी जनता सेमती प्रतिनिधि ये प्रकार गोटे तर्जमा रही कि लोक मैंने बहुत तर्जमा करती बहुत चिंता करती जनता से ही हिसाब से निज प्रतिनिधि बाछवा दरकार कौटी ना कौटी आमर जो मानसिकता आमर जो आशा रही आमर जो आदर्श रही आम प्रतिनिधि अंत रिफ्लेक्ट करवा दरकार जी सी तार व्यतिक्रम होते सबकि ओलट पलट हो प्रियरंजन नायक आम प्रतिनिधि सहित उपस्थित अच्छा प्रियरंजन कौन अपडेट पूरा घटन निश्चित देखु कलिकतार जे वाणिज्य मंत्री पार्थ चाटार्जी जो भाई स्वास्थ्यावस्था खराब जो एम्स हस्पिटाल आसे और एम्स हस्पिटाल भर्ती होगापर संपूर्ण भाव एक नाटक भली लगुच कारण देखूँ पार्थ चाटार्जी को प्रथम चेस्ट पेन है चेस्ट पेन पर अर्डर नहीं आसे कोर्ट्रु से एम्स हस्पिटाल भर्ती परवर्त समय जितेबाला अनुसंधान कराला एम्स डाक्तरी दल समस्त प्रकार चिकित्सा कले कि कौन प्रकार से ही भाव में गुरुत्वपूर्ण सहित कौन प्रकार चेस्ट पेन होना कि कौन प्रकार से भाव में रोग होना तेणु यह धरा पड़ा पर पार्थ चाटर्जी को वर्तमान स्वास्थ्यावस्था स्थिर अच्छी तापर डिस्चार्ज करें पार्थ चाटर्जी डिस्चार्ज खबर शुणापर एटी जो अनेक कलकतार जो आछि लोक मैंने आज देखो शिक्षक निजुक्ति गोटे बड़ घोटाला था जहाँफल से घटना बहुत चर्चित होता तेज यही भाव में ईडी जिते हाथ को नहीं समस्त प्रकार कलाधन को पर्दाफाश कर पार्थ चाटर्जी समस्त से फोकस रही एत बड़ गोटे पदवी में थी कि भाव से यही भाव में घटना घटाइले और घोटालार बाजी जहाँ समस्त कहते हैं स्थानीय जो कलकतार स्थानीय युवक मैंने महिला मैंने से समस्त गिरफ्त कर आहरी आक्शन को निजाऊ गिरफ्त करने बेल रेल से गोटे नाटक करते यही भाव में अनेक प्रकार कथा आसूँ आउ किस समय पर एम्स हस्पिटाल भितर से डिस्चार्ज हे बर्तमान पर्यटन जमापड़ ना से पार्थ चाटार्जी यू कड़े जी कारण बर्तमान पर्यटन कौन जो अधिकारी मैंने अच्छा से भितर अच्छा आम अपडेट दबू जो पार्थ चाटार्जी या परवर्त समय कौटि जी से देखते से एयर आंबुलांस आसते कि बर्तमान जो स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही जेहेतु स्थिर अच्छी मैंने कौन प्रकार एयर आंबुलांस करदि कलिकता नजे तेज से यार कौन प्रकार जेल को जी कारण ये जो कहूँ गोटे गोटे राज्यर आउ गोटे राज्य को जवाक ट्रांजिट रिमांड दि जाए और कोर्टे प्रड्यूस कराए समस्त प्रकार डिटेल्स रही समस्त प्रकार जो नियम कानून रही से अनुसार नियम कानून द्वारा ईडी ही काम करुच्ची तार आक्शन को नप
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଡି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲକାତା ବାସିନ୍ଦା, ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଘୋଟାଲା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଥିଲା 2014 ଏବଂ 2016 ମସିହାରେ, ଏବଂ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କିଛି ଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି କିଛି ସମ୍ଭବପର ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ତତଃ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ମୋ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଇଛି, ତା'ର ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସେଭଳି କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦିଗ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକଦମ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାନା କରାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜାଯାଉଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଦୋଷ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହେବ ତା ଦେହରୁ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଲିଙ୍କନ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ତାକୁ କାଲକାଟା କୋର୍ଟ ରାଇଟ୍ଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ, କାଲକାଟା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ସରେ ଯାଇକି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆର ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇକି ଅନ୍ତତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତ ଏମ୍ସରେ ଯାଇକି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ତା'ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁରା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ। ଲିଙ୍କନ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ହେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବଡ ବଡ କେସରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ପଦ ପଦବୀରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ଭାଳିବା ଜାଗାରେ ନିଜ ଘର ଏତେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବେ କୁଆଡେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଯିବା ସେଇ ଚାରି କାନ୍ଧରେ, ଯିବା ସେଇ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋଭ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲ ବି ଆମ ଆଇନରେ ବି ଏତେ ସହଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳା ବାଟ ଅଛି, ଇଏ ଜେଲ ଯିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ମେଡିକାଲରେ ବୁଲିବେ, ୟା ପରେ ସହଜରେ ବେଲ ପାଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ଏ ପୁଣି ନେତା ହେବେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଚୋରି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ଏ ପବ୍ଲିକ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ନେତା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଜବାବ ନ ପାଇଲେ ଆଗାମୀ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଯିଏ ଯାହା କରିଦେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ଖସିଯିବେ, ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ନେତା ହେବେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ କହିବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ହବା। ବହୁତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେଲେନି କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ନ ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ସେଇଭଳି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ନ ରହିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଠକ ଯୋଉ ନେତା ଠକୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ପାଲଟି ଯିବ, ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ। ଓକେ,
निश्चित भाव जमती सी तो शीतल तरंग बेहरिया मत कहते गोटे बड़ सेटबैक हो जाए घटना को जी आम देखा तर्जमा करवा अंत टीएमसी ममता बानाजी पुणि थे आत्मसमीक्षा करवाक पड़ो जो मानक नहीं कि मुझ टीम जाऊँगी मो टीम भितर कौन एक्जाक्टली अच्छी सी तो शीतल तरंग बेहरिया कौटिना कौटि गोटे बड़ झटका कहती आपड़ दिंतु प्रेसीडेटाल इलेक्शन में गोटे प्रयास करत जो भाव गोटे नुआ राजनैतिक आधार या बारंबार प्रचेषा कर टीएमसी तेणु ये गोटे पर गोटे घटना जो सामना को आसूची गोटे बड़ झटका कहपर जो अभियान थिला सेते मात्रा रे गोटे फलवर्ती हम जदि से पूर्व निजुक आत्मसमीक्षा निजर आत्मसमीक्षा आदि सहित गोटे भल कि अंक कसा न करती सबकि हिसाब किताब उल्ट पलट हो सी तो उल्ट पलट हम दीटा कथा गोटे कथा होची मु फुल्ली एग्री करची अमर लिंकन को सांगरे जे अमर एटी सिस्टम मोटा वर्तमान को बारंबार कही आछी जे एटी एग्जांपलरी पनिशमेंट ओनली करप्शन केसेस अच्छा करप्शन केसेस रे कोन होची जे अमर नियम कानून एते ढीला से माने सब पाई जाउचंती बेल पाई जाउचंती बेल पाई थाइला पर से केस चालिबो 12 वर्ष 15 वर्ष गोटे लोअर कोर्ट रे निश्चित भाव लिंकन ये गोटे आधार आसूची मुझे फेरुची आपण परवर्त समय आधार को लेकिन प्रकृत में ये गोटे शिक्षा हम कि पब्लिक मानक जनसाधारण गोटे शिक्षा हबार आवश्यकता रोचे अंत तो बुझा दरकार समस्ते जी आम क्या बाछुचे क्या आम निजर प्रतिनिधि हिसाब से या करे प्रियरंजन किसी अपडेट आसूची कि आप जो भाव देखुं किसी सूचना रोचे कि डिस्चार्ज कर कथा कहला बोधे हुए आसंता का बाबद प्रोसीडिंग हम तो किसी अपडेट रही आप हाँ देखो जो एम्स डायरेक्टर जी सूचना देते जे डिस्चार्ज करें गोटे प्रोसीजर अच्छी कड़ा सुरक्षा बल कारण देखो बहुत दुर्नीति मामलार फसी निश्चित कौन से अघटन घटार संभावना देखिक कौन से प्रकार जमीक अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हे से कड़ा सुरक्षा बल नि निकटस्थ जो खंडगी थाना पुलिस रही सहायता दिखाई कारण ये से गोटे प्रकार पुलिस कड़न कोणाई चित्र देखा जे ये पुलिस कड़न रखी जो एक्जिट अच्छी ओपीडी एक्जिट अच्छी से एक्जिट गेट निकट में पुलिस मुतयन रही सिक्यूरीटी जो घर सिक्यूरीटी संस्था अच्छा से मैंने कर्मचारी रही गोटे पार्श्व को संपूर्ण भाव में कड़न करपटे देखिए जे सिक्यूरीटर पैंतर मान अच्छे भितर क्या छड़ा जाऊनि जो जो व्यक्ति रोगी मैंने अच्छा से जाकर संपर्क जाऊँ अथा अन्य लोक मानक छड़ा जाऊना और किसी समय पर यू डिस्चार्ज कर समस्त प्रकार जो घटना प्रकाश होगापर यही भाव में गोटे प्रकार सुरक्षा कड़न को दिया जाए दुर्नीति मामलें फसी पार्थ चाटर्जी घर जब मिली एत कत कोटि कोटि टाँग निश्चित भाव लोकों पर आक्रोश रही आम सहित अच्छा जन कलकतु आप कहाँ से कलकता से कौन से जिला से कलकता से मैं पूर्व मैदान से पार्थ चाटर्जी गिरफ्त हुए और एम्स हॉस्पिटल आए ये सुन के आपको कैसा लगा क्योंकि बहुत बहुत घोटालाबाजी कर देते अच्छा नहीं लगा बुरा लग रहा है बहुत कोई लड़की और लड़का को सब पैसा खा लिया चाकरी नहीं मिला और बहुत घोटाला किया
और बहुत दुर्नीति में बहुत अच्छा नहीं लगे, सब गाँव वालों बहुत छी छी कर रहा है, इसीलिए बहुत मेरा कष्ट हो रहा है, इसीलिए उनको हटाना चाहिए। इतने बड़े पद में वो बैठे हैं, वाणिज्य मिनिस्टर है, और उसको ये सब घोटालाबाज और इतना पैसा मिला, क्या लगता था ये सब लोगों का पैसा लूट के वो ऐसे एक एक्ट्रेस को दिए थे? नहीं नहीं, ट्रस्ट को नहीं, लोगों को पैसा छुपा के रखता है और बेनामी संपत्ति रख के इधर इधर घूम रहा है छुपा के। तो उसके बारे में क्या जानते थे पहले, वो कैसे थे और वो मतलब क्या इसका जो स्टाइल कैसे है, वो गाड़ी चलाता कैसे, घर बंगला कैसे सब? पहले सिंपल आदमी था, अभी जिस टाइम मंत्री मिला है उसी टाइम सब रुपया मार के और छुपा के रख के इतना बड़ा आदमी हो गया। क्या होना चाहिए उसके बारे में, क्या विरोध करना चाहिए? उसका सजा चाहिए और के उसको डिपार्टमेंट से हटाना चाहिए। ये जो तृणमूल कांग्रेस का ये मिनिस्टर लिंकन लगातार भाव सहित उपस्थित अच्छा लिंकन आप शुणुते सेठिकार पश्चिमबंग जो बासीदा प्रतिक्रिया आम नाक चेषा करूँ से जो भाई भाव कहते प्रत्यक्ष अनुभूति जोबले नेता होते पार्थ चाटर्जी जोबले सी राजनीति को आसी पाखे सेमती किसी आधार नाला और आज समय देखिले कोटि कोटि संपत्तिर मालिक एकाधिक घर कूकरपाय से घर रखिंट मानने जो कहते आवश्यकता ठारू जथेष अधिक निज बयस जथेष सान जड़े सहयोगी सहित नहीं कि बात उठू जी कि ओलीउड जगत सहित कौटना कौट जड़ित तो ये सब कथा जो देखा जा गोटे स्वच्छता आणवार प्रयास राजनीति में अनेक मात्रा रे करा जाइतिला विभिन्न प्रकार नीति नियम करा जाउची आपण संपत्ति कौन रही तार तालिका देबे ताकू आपण पब्लिक करिबे एवं आपण कौन करुछंती बा क्रिमिनल केसेस जदि किछि अछि ताकू मध्ये पब्लिक करिबे ए सब सत्य मध्ये ए सब गळाबाट मानक पई केमिति संभव पर हि परछि कहीं ना गोटे राजनीति रे जेते बेले गोटे लॉन्ग टर्म पई गोटे सरकार रोकुछंती आ तांको सरकार को से जो चादर टी पाउछंती घोडी हवा पई सहज आकार रे से लोकंकर वर्षा माडरु बंची जाउछंती। अच्छा, केना से एमिती गोटे रेनकोट पिनछंती जे लंबा समय धरी तांको उपरे प्रोटेक्शन दउची आ सेमानुको सामना को न आनी मो दुखर विषय को चिंता करिवर जे जदि सरकार स्वच्छता आनते आउ तांका सरकार एई भली नेता सफा करते निहाति बाबरे लोकंकर जो आशा भरोसा गोटे दल प्रति किंबा तांको नेता प्रति अछि सेटा सम्मान टी आहुरी बढ़ंता तांको विश्वास टी आहुरी दृढ़ हुआ किंतु वोट बैंक रो जो लोभ पाई तांको चौकी सुरक्षित करने पाई जो तले जो नेता माने घोटाला करुछंती तांकु पर्दाफाश न करी ए भलिया कार्य करुछंती तांकु घोड़ेई दउछंती तांकु आड़े कि तूनी कि रखुछंती आपण देखंतु एमाने जो डिक्लेरेशन दउछंती सेटा डायरेक्ट तांको नारे जति कि प्रॉपर्टी से तार डिक्लेरेशन दउछंती। अच्छा, एटा चेंज होबार समय आसिलानी जे तांकर पूरा परिवार रो वर्तमान छानबीन होबा कथा डॉक्यूमेंट सबमिट करबा कथा काही ना परिवार लोक चाकर ड्राइवर गां लोक एमानक नारे एमाने रखि दउछंती संपत्ति गुडी को भली बस्ता बस्ता नोट बंधा है जो समय रे गरीब लोक टी ए नोट बंदी समय टू आरंभ करके आज पर्यंत जीएसटी लागू है नोट बंदी है विभिन्न प्रकार रो समस्या बर्तमान बजार रो भाव सब जिनस रो बढ़ी लोक एत असुविधार सामना करुवा समय जमी भाई एवं कहले जड़े के दुखर कथा टे व्यक्त कले जे गरीब गाँव रोक टीए भरोसा कर पिला माने चाकरी पाइबे एवं से आशा भरोसा रे माने तांको घर रो नोट भर्ती करी गदा गरम करुछन आउ एई भली परिस्थिति रे सरकारंकर कोन दायित्व सेटा निहाती भाबरे चिंता करिवा दरकार एवं गोटे कथा एठी आनिबा को चाहिबी जे वर्तमान हमर संविधान रे जो परिवर्तन सर जेमती कहउतिले बेउरे सर कहिले संविधान रे परिवर्तन रो समय डाकरा देई सारलाणी 75 वर्ष रे आमे पहुचिलेणी समय बदलुची सरकार बदलिलेणी विभिन्न नीति पद्धति आमर इकोनॉमिकल सब चेंज होउची ए परिस्थिति रे कॉन्स्टिट्यूशन रे विभिन्न चेंजेस आणिबा नियति आवश्यक आपण गोटे कथा देखंतु जो क्रिमिनल रेकॉर्ड दिया जाउची किंबा फाइनेंशियल रेकॉर्ड दिया जाउची तार केते मात्रा रे वेरिफिकेशन होउची द्वितीय कथा जो कथा टी मुठेली जे तांको क्लोज परिवार तांको स्त्री तांको पिला माने या परे कोन होबो ना सी जेल रु बेल रे बाहर जिवे तांको पुओ तांको स्त्री तांको जियो कारी गोटे परिवार रु टिकट दे तांको पुणी नेता करी पुणी मंत्री करी लोकन को ऊपर लदी दे जिवे राइट ए ए ए जो जो ए प्रैक्टिस टा वर्तमान भारत
ଜାତୀୟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏଇଟା ଲିଭେଇବାର ନିହାତି ସମୟ ଡାକରା ଦେଲାଣି। ଯୁବପିଢି ଆଗାମୀର ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି ସରକାର ପାଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛେ, ସେଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀର ଜେନେରେସନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ର କଥା ଉଠିଛି ବା ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଉଠିଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଆର ତର୍ଜମା ହେବା ଦରକାର। ସେ ତ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗ ବେଉରିଆ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଜଣେ ନେତା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ସେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆମ କଥା ବୁଝିବ, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତ ସେଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଏସୋ ଆରାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ସେମାନେ ପଛନ୍ତି ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମ ନୈତିକତା ଆକୁ ଯେମିତି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଉଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କନ, ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶିବସ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟ କରିବାନି ଗୋଟିଏ ତୂଳିରେ। ଏବେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଡେକାଡ ଟୁଗେଦର ରହି ସାରିଲା ପରେ ବି ପାୱାରରେ ସେମାନେ କରପ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରପ୍ସନରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ନେତା କୁହନ୍ତୁ କି ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ କରପ୍ସନ୍ କାହିଁକି କମୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ କରପ୍ସନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ କରପ୍ସନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ର ନିୟମ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କରପ୍ସନ୍ କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ସେ ନିୟମ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି। ତାର ଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ରେ ସେ ସିବିଆଇ ହଉ କି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସିଏ 3-4 ମାସ ରହିବେ ଜେଲରେ, ତାପରେ ବେଲ୍ ହେଇଯିବ, ବେଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କେସ୍ ଚାଲିବ, ଗଡି ଚାଲିବ, ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଗଡି ଚାଲିବ 15 ବର୍ଷ, ତାପରେ ହବ କଣ ନା 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବର୍ଷ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ନହେଲେ ସେଟା ବେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ଏତଦୁ ପୁଣି ସେ ଅପର କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଚାଲିଲା 20 ବର୍ଷ କେସ୍, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ସେଠି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହବ, ସେମାନେ ବେଲ୍ ପାଇବେ, ପୁଣି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ବହୁତ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଆପଣଙ୍କ କରପ୍ସନ୍ କୁ ଗୋଟେ ମେଜର କ୍ରାଇମ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରପ୍ସନ୍ ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱିକଲି ତାଙ୍କର ପନିଶ କରାଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯିଏ ନେକ୍ସଟ ଲୋକଟି ଯିଏ କରପ୍ଟ ଥିବ ସିଏ ଡରିବ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କରପ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଡର ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ଆ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।